assalamu alaikum welcome back to my youtube channel education for all today we are going to study about the inviolability of dignity of man that says uh, in the article 14 clause 1 which says the dignity of man and subject to law the privacy of home shall be inviolable which means nobody else have authority to make any type of uh, such error, such thing which make dispute in the dignity of man or such uh, act which uh, revoke his or her privacy of home shall be inviolable which means it is not allowed to anyone else

ये किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली ये बात एक डायरेक्शन जो है वो ड्रा करता है एक ड्रा डायरेक्शन बताता है कि एक इंसान का जो वक़ार है इज़्ज़त है उसे मजरूह नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा सकता और ये प्राइवेसी किस हवाले से कि उसके घर उसकी चार दीवारी के तकदस को पामाल नहीं किया जा सकता ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अब यहाँ पर काफ़ी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से बहुत से अथॉरिटीज, ला एंडफोस एजेंसीज़ जो कि किसी के घर पर भी अगर जाती हैं यानी कि किसी को अरेस्ट करने के लिए या किसी किस्म की रिसर्च करने के लिए तो उन्हें इस बात का लाजिम ख़्याल रखना होगा कि वो उसके उस शख्स के अपने रेपोटेशन को और उसके घर की चार दीवारी के तकदस को पामाल न करें अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन केस ऑफ़ एक्सट्रीमिज़म केस ऑफ दोज केसिस विच आर रिगार्डिंग टू दी टेरिस अटैक्स इन सच केसेस पुलिस और अदर लॉ एंडफोर्सिस एजेंसीज आर अलाउड टू इवन रिवोक प्राइवेसी ऑफ सच होम यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ कि उन तमाम सूरत हाल में जहाँ पर किसी किस्म की दहशत गर्दी मुतव हो तो वहाँ पर चार देवयारी के तकदस को पामाल किया जा सकता है ये क्यों ये इसलिए कि फोर सपोज़ अस सपोज़ अगर किसी के घर में जो कि एक आ, किसी के कहने पर किसी के बताए गए डायरेक्शन पर लाइन फोर्स एजेंसीज किसी घर पर रिसर्च करने आती हैं अगर तो वो उनको पहले नॉक करें और उसके बाद वो घर में एंटर हों देन इस बात की देन वो बाउंड है इस बात पर कि अगर तो वो नोक करके जाएंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जब वो नोक करके जाएंगे तो वहाँ पर अचानक से कोई एक्सप्लोजर हो सकता है कोई आ, के बॉम आ, फट सकता है कुछ भी ऐसा मुतवे है क्योंकि वो घर एक्सपेक्टेड है कि वहाँ कोई दहशत छुपा हुआ है या कोई भी ऐसा यानी कि एक्टिविटी में मुलव है तो इन तमाम सूरत हाल में रिवोक एक्सेप्ट ऑल दोज केसेस इन विच एनी सिटीजन विच इज़ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी हैव प्राइवेसी ऑफ होम एज वेल एज द डिग्निटी ऑफ सच पर्सन इन अ सोसाइटी विल बी नॉट नॉट रिवोक ना कम टू दी सब क्लास टू विच एज नो पर्सन शल बी सब्जेक्ट टू टॉच फॉर दी परपज़ ऑफ एक्सट्रेक्टिंग एविडेंस अब यहाँ पर भी एक बात बहुत ज़्यादा गौरतलब ये है कि उन तमाम सूरत हाल में कि जहाँ पर किसी शख्स से एविडेंस निकाला जाए किसी शख्स से एविडेंस लिया जाए लॉ एंड फोर्सिस एजेंसीज की तरफ इशारा है तो वो उसको टोर्चर नहीं कर सकती यानी कि एक्सट्रीम यहाँ पे सिंपली मेंशन है नो पर्सन शल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस नाउ कम टू द अदर आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all of us to understand it freedom of movement etc which says every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the subject public interest enter and move freely throughout pakistan and to reside and settle इन एनी पार्ट देर ऑफ विशेष अगर कोई भी शहरी पाकिस्तान का कहीं पर भी जाना चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई सिंध का शख्स पंजाब में जाना चाहे या कई कोई केपी के का शख्स बलूचिस्तान में जाना चाहे तो वो आज़ाद है उसे इस बात का इख्तियारूशन ने दिया है वो को आज़ादी से सेटल हो सकता है कहीं भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह वो चाहे वो वहाँ पे आज़ादी से रह सकता है उसकी इजाज़त आइन ने दी है लेकिन यहाँ एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो कहा गया है कि दोज़ प्लेस विच आर रेस्ट्रिक्टेड इम्पोज बाय लॉ इन दी पब्लिक इंटरेस्ट तो वो जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई बैन लगाया गया हो जाने से रोका गया हो वहाँ पर आम लोग आम शहरी नहीं जा सकते जैसा कि कुछ ही हाल दिन यानी कि कुछ ही माह पहले जब ऑपरेशन एक हुआ था नियर टू वजीरिस्तान तो उस टाइम आपको याद होगा कि बाउंड किया गया था कि कोई भी शख़्स वहाँ उस एरिया में नहीं जा सकता ऐसे ही कि जब सवात में 2008 आ, से आई थिंक 2010 के करीब ऑपरेशन हुआ था तो तब भी यही बात बाउंड किया गया था सबको कि कोई भी आम शहरी वहाँ नहीं जाएगा ड्यू टू दा एंड सिचुएशन ऑफ लॉ ऑर्डर सो इन व्हिच व्हिच इज़ रिलेटेड टू दी law and order situation in such a, circumstances when government uh, bound people to not to go in those areas due to the public interest then the citizen of pakistan are bound to not to go over there in all rest of the cases the people of Pakistan are free to move anywhere else inside the Pakistan jurisdiction. So I am uh, sure that uh, it will be clear to all of you. अब यहाँ पर एक और बात जो कि मैं चाह रहा था कि आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड क्लियर करूँ वो ये कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो या किसी भी टाइप की फ्रीडम हो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फरहाम तो कर दी है लेकिन कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पर वो फ्रीडम आपसे छीन ली जाती है फॉर सपोज़ अगर कोई भी जंगी हालात हो या कोई भी ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो

सो so, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमसे छीन लगी थी तो आप यहाँ पर ये सोचें कि ये तो हमें हमारा राइट छीन लिया गया लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था क्यों क्योंकि यहाँ पर बात मेंशन है कि अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन हो मूवमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट लगा सकती है यही रिस्ट्रिक्शन हम पर लगाई गई थी ताकि कोविड नाइन्टीन ज़्यादा ना फैले तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दी फ्रीडम ऑफ असम्बली इन आवर अपकमिंग इनशा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़